अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्पर तीन जान की माता। अब आप समझ गए होंगे कि हम आज बजरंग बली जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद बजरंग बली विवाहित थे। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि पराशर संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया है। दरअसल भगवान बजरंग बली यानी भगवान हनुमान जो है उन्हें अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहा जाता है, जिनके गुरु थे सूर्यदेव। अब सूर्यदेव से भगवान बजरंग बली ने भगवान हनुमान ने नव निधि सीखनी थी। ऐसे में जब उन्हें सीख रहे थे तो सूर्यदेव ने बताया कि पांच सिद्धियां तो आपको प्राप्त हो गई है, लेकिन चार और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपका विवाहित होना जरूरी है। ऐसे में बजरंग बली जी को मनाया गया विवाह करने के लिए। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चला से बजरंग बली जी का विवाह करा दिया और देश में आपको बता दें कि तेलंगाना के खम्मम जिले में ये वर्णित भी है और बकायदा एक मंदिर है जहां पर बजरंग बली अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। इधर अगर हम आपको बता दें तो यहां पर बजरंग बली जी ने विवाह किया सुवर्चला से, जिसके बाद विवाह के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और इधर बजरंग बली जी ने नव सिद्धियां जो थी उन्हें प्राप्त कर लिया और उसके बाद इसीलिए अविवाहित होने के साथ साथ बजरंग बली को आज भी ब्रह्मचारी कहा जाता है।